क्या आप सुपरमैन के फैन हो? तो ये सुपरमैन की नई कॉमिक सीरीज सिर्फ आप ही के लिए है। क्या आपको पता है सुपरमैन इस कॉमिक में 20 सालों के लिए गायब हो गया था। सुपरमैन लॉस्ट कॉमिक इशू 1 में मेंशन किया है कि सुपरमैन 20 साल तक घर से दूर रहा, लेकिन अर्थवासियों के लिए ये 20 साल सिर्फ 5 मिनट के बराबर थे। हे कॉमिक फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम मुजैफ और आप देख रहे हो एमबी एक्सप्लेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि सारी लेटेस्ट कॉमिक सबसे पहले आपको मिले और वो भी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में सुपरमैन एक कार को क्रैश होने से बचाता है। कार में एक लड़की थी और उसकी कार में नियरली $1 मिलियन थे और सुपरमैन लेडी को बचाकर घर चला जाता है। घर पर लुईस लेन लेडी के स्टेटमेंट को रीड कर रही थी और सुपरमैन अपने पुराने टोस्टर को रिपेयर कर रहा था। तभी लुईस सुपरमैन के पास आती है और सुपरमैन से कहती है एज पर हर स्टेटमेंट उसको पता ही नहीं था कि उसके कार में $1 मिलियन थे और दोनों केस के डिस्कशन में अपनी अपनी थ्योरीज पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है और हमें दोनों का प्यार नजर आता है। तभी सुपरमैन को जस्टिस लीग का कॉल रिसीव होता है। सुपरमैन घर से बाहर जाता है और लुईस वापस से केस पे काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुपरमैन आकर लिविंग रूम में खड़े रहता है और लुईस सुपरमैन से कहती है तुम काफी जल्दी वापस आ गए, लेकिन लुईस को क्या पता था जो उसके लिए 5 मिनट थे वो सुपरमैन के लिए 20 साल हो चुके थे। लुईस सुपरमैन से पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगे, लेकिन सुपरमैन खामोश था। फिर लुईस बोलती है कि मैं खुश हूं कि तुम इस बार मिशन से जल्दी वापस आ गए। सुपरमैन अभी भी चुप था, लुईस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुपरमैन कहता है कि 20 साल हो चुके हैं। अचानक से डोरबेल बजती है और वो ब्रूस था। ब्रूस सुपरमैन को देखकर सरप्राइज हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। लुईस बैटमैन पे चिल्लाती है तुमने इस बार क्या किया है ब्रूस। तभी सुपरमैन बोलता है कि तुम मुझसे बात करो, तुम्हें मुझ पर अपना गुस्सा निकालना है, और सुपरमैन लुईस को सब कुछ बताता है। जस्टिस लीग यूएस मिलिट्री और चाइनीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स को ट्रैवल करते हैं। जस्टिस लीग डिस्कवर करते हैं कि चाइनीज और यूएस मिलिट्री एक डाउन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर वॉर कर रहे थे जिसके पास इतना पावरफुल इंजन था जो लाइट से भी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता था, और स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ब्लैक होल को क्रिएट कर देता जो पूरे प्लैनेट को सक कर सकता था। सुपरमैन के पास दूसरी चॉइस नहीं थी और वो स्पेसशिप के अंदर जाकर उसको बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के साथ सुपरमैन भी टेलीपोर्ट हो जाता है। और यही न्यूज बताने के लिए बैटमैन उसके घर गया था, लेकिन बैटमैन सुपरमैन को पहले से ही वहां देखकर सरप्राइज हो जाता है। तभी वो दोनों लुईस को सारा इंसिडेंट बताते हैं। सुपरमैन लॉस्ट कॉमिक सीरीज अभी स्टार्ट ही हुई है। इस कॉमिक की पूरी स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।